नमस्कार, न्यूज फ्लैश में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आज की ताज़ा खबरों की ओर। बड़ी खबर जयपुर से व्यापारिक हितों की, जहां जयपुर व्यापार महासंघ की मीटिंग में व्यापारिक संवाद कार्यक्रम में राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड के चेयरमैन सुनील सिंह ने बताया कि जीएसटी के अंतर्गत 2017-18, 2018-19, 2019-20 के विभागीय डिमांड नोटिस को बिना किसी ब्याज या पेनल्टी के निराकरण कर व्यापारियों को राहत देने का व्यापारी कल्याण बोर्ड के सुझाव पर निर्णय लिया गया है। व्यापारियों के पूछने पर सिंह ने बताया कि वो राजस्थान सरकार से बात करके राज्य सरकार से व्यापारी कल्याण बोर्ड का शीघ्र गठन करने का आग्रह करेंगे। साथ ही जिलों में भी व्यापारी कल्याण बोर्ड की जिला स्तरीय कमेटी बनाने का भारत सरकार ने निर्णय लिया है। इससे राजस्थान और सभी जिलों के व्यापारियों का सरकार से सीधा जुड़ाव होगा और व्यापारिक समस्याओं का शीघ्र निस्तारण होगा। व्यापारियों ने भारत सरकार का धन्यवाद दिया। संवाद कार्यक्रम में जयपुर व्यापार महासंघ के अध्यक्ष सुभाष गोयल, महामंत्री सुरेश सैनी व वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुरेश बज ने सुनील सिंघी का जयपुर के व्यापारियों की ओर से स्वागत किया। सुनील सिंघी ने जयपुर व्यापार महासंघ के नवनिर्वाचित कार्यकारिणी को निर्विरोध चुनाव के लिए बधाई दी व सभी निर्वाचित सदस्यों का दुपट्टा उड़ाकर व पुष्प भेंट कर अपनी ओर से स्वागत किया। कार्यक्रम में सचिन गुप्ता, कोषाध्यक्ष जयपुर व्यापार महासंघ, मित्र सिंह राजावत, अमित शर्मा, भूपत राय कांटेवाला, गजानंद शर्मा, विष्णुदत्त शर्मा, धर्मेंद्र प्रधान, अशोक कुमावत, अशोक कुमार, विष्णु शर्मा, दीपक अग्रवाल, जय किशन ग्वालानी, नितिन शारदा व अन्य पदाधिकारी शामिल हुए। कार्यक्रम का संचालन निशिता सुरोलिया ने किया।